सभी को जय यीशु। आज हम आराधना वर्ष के सामान्य काल के 24वां इतवार में प्रवेश कर चुके हैं। आज का सुसमाचार भाग अति सुंदर है। प्रभु यीशु अपने चेलों से प्रश्न पूछते हैं, तुम लोग मेरे साथ बहुत समय से घूम रहे हैं, मेरे चेले बन चुके हैं, बताओ लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं कि मैं कौन हूं। शिष्यों को शायद यह प्रश्न बहुत आसान से लगा, इसलिए शिष्य लोग उत्तर देने लगा। पहले ने यह बताया, लोग ये बताते हैं आप योहन बपतिस्ता हैं, कुछ लोग ये बताते हैं आप एलियस हैं, और कुछ अन्य लोग ये बताते हैं आप नबियों में से हैं। शायद प्रभु यीशु को यह उत्तर अच्छा लगा, इसलिए प्रभु यीशु उनसे एक दूसरा प्रश्न पूछते हैं, अभी तुम लोग ये मुझे बताओ कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं कि मैं कौन हूं। शिष्य लोग एक दूसरे को देखने लगा और पेतरस से बताया, तुम बोलो। और पेतरस सामने आकर प्रभु यीशु को ये बताते हैं, आप मसीह हैं, जीवन ईश्वर का पुत्र है। लेकिन सुसमाचार भाग में हम ये नहीं पढ़ता कि प्रभु यीशु उस उत्तर को हाँ कहते हैं या ना कहते हैं। उत्तर तो सही है गलत है, लेकिन प्रभु यीशु उनको चेतावनी देते हैं, तुम ये बात किसी को नहीं बोलना। मेरे प्रिय दोस्तों, चेलों के दिमाग में यह प्रश्न जरूर उठा होगा, प्रभु यीशु इसे क्यों बोल रहे हैं। आज इस सुसमाचार भाग सुनने वाले हमारे दिमाग में भी यह प्रश्न जरूर उठते होंगे, प्रभु यीशु इसे क्यों बोल रहे हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, हम भी प्रभु यीशु के बारे में बहुत कुछ सुने हैं, प्रभु यीशु ये है, प्रभु यीशु वो है, प्रभु यीशु अच्छा है, प्रभु यीशु चंगाई देता है, स्वास्थ्य लाभ देता है। ये सब हमारे लिए, हमारे दिमाग के लिए ज्ञान मात्र है, जब तक हम उस पुनरुद्धित प्रभु यीशु को अपने आप से अनुभव न करें। इसलिए शायद प्रभु ने उनको बताया होगा, तुम लोग जाके उनको मत बताओ, वो मेरे पास आने दो, खुद आने दो और उसका मुझे अनुभव करने दो। मेरे प्रिय दोस्तों, प्रेम चरित ग्रंथ में अध्याय एक में एक घटना को हम पढ़ते हैं। घटना यह है कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद शिष्य लोग एकत्र हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए इकट्ठे हो जाते हैं कि यूदस के मरण के बाद एक नए शिष्य को चुनने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। वहां पेतरस खड़े होकर वहां इकट्ठे हुए लोगों को बताते हैं, क्या बताते हैं, कौन चेले बन सकता है प्रभु यीशु के। दो योग्यताओं को पेतरस बताते हैं। पहली योग्यता यह है कि वे व्यक्ति होना जरूरी है जो प्रभु यीशु के बपतिस्मा से लेकर प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण तक उनके साथ चला हो। दूसरी योग्यता यह है कि वो व्यक्ति होना चाहिए जो खुद प्रभु यीशु का पुनरुत्थान का साक्षी, पुनरुत्थान का अनुभव किया। मेरे प्रिय दोस्तों, हम अपने आप को प्रभु यीशु को चेले बनाते हैं। जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु के चेले हैं। हम तभी प्रभु यीशु के सच्चे चेले बन जाएंगे जब हम अपने आप से उस पुनरुत्थित प्रभु यीशु का अनुभव करेंगे। प्रिय दोस्तों, आज के समाचार के दूसरे भाग में हम देखते हैं प्रभु यीशु अपने मरण, दुख भोग और मरण और पुनरुत्थान के बारे में भविष्यवाणी देते हैं। लेकिन यह सुनकर पेतरस को बहुत दुख लगा। पेतरस प्रभु यीशु को ले जाकर उनको बताते हैं, मैं आपको ये होने नहीं दूंगा। लेकिन प्रभु पेतरस ही बताते हैं, हट जा सैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं मनुष्य की बातें सोचते हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं मनुष्य की बातें सोचते हो। मेरे प्रिय दोस्तों, जब हमारे जिंदगी में दुख संकट आ जाते हैं, हम इसलिए निराश और हताश बन जाते हैं, हम मानसिक तौर पर सोचते हैं इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा, हम टेंशन में गिर जाते हैं। लेकिन जब हमारी जिंदगी में दुख संकट आ जाते हैं, उस दुख संकटों को
ईश्वर की दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे तो हमारे दुख संकट एक अनुग्रहदायक बन जाएंगे, कृपादायक बन जाएंगे। प्रभु यीशु मेरे दुख संकट के द्वारा मुझसे क्या चाहते हैं, मुझसे क्या बदलाव चाहते हैं। आइए दोस्तों, आज के इस सुसमाचार भाव को मान चिंतन करते हुए हम प्रभु यीशु से शक्ति मांगेंगे। हे प्रभु, मुझे ये कृपा और हिम्मत दे ताकि मैं खुद आपके पास आ जाऊं और आपका अनुभव करूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।